पार्टी मर्दान डोम की वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ से भी मुलाकात करेंगे। अली मर्दान डोमकी को वज़ीर-ए-आला का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है क्योंकि वो नामजद कर दिए गए हैं निगरान वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान और अब वो पहुंचे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस जहां पर उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ से भी मुलाकात करनी है। अभी उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया है निगरान वज़ीर-ए-आला का उनके नाम की नामजदगी के बाद हतमी तौर पर जब ये नाम सामने आ गया जिसकी समरी भी भेज दी गई मज़ीद दस्तखत के लिए आगे गवर्नर को, तो अब अली मर्दान डोमकी के हवाले से ये खबर सामने आई है कि उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया है वज़ीर-ए-आला का और वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे हैं जहाँ पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ से भी मुलाकात करेंगे। फहद चौधरी से मज़ीद हम डिटेल्स लेंगे इस खबर की। जी फहद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सरदार अली मर्दान डोमकी जो के मुतवक्को निगरान वज़ीर-ए-आला हैं बलोचिस्तान के, वो कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे और दिलचस्प बात यह है कि वो पहुँचे अपनी जाती गाड़ी पर थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान का जो प्रोटोकॉल है वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गया और अली मर्दान डोमकी को अब बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। ये इत्तला आ रही थी कि आज या कल उनकी हलफबरदारी होगी और पार्लियामानी कमेटी की जानिब से उनका नाम जो है उस पर इत्तफाक करके गवर्नर को भिजवा दिया गया था और अब तवक्को ये की जा रही है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से वो मुलाकात करने के बाद जो है क्वेटा रवाना होंगे जहाँ पर आज या कल उनकी हलफबरदारी की तकरीब होगी। ठीक है, आज ही हलफबरदारी की तकरीब के हवाले से इत्तला आ रही है। फहद चौधरी हमें अपडेट भी कर रहे थे इस हवाले से, आपको बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर-ए-आला बल के लिए नामजद किए गए हैं अली मर्दान डोमकी और अब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंच गए हैं जहां पर उनकी मुलाकात होगी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ से। उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया है वज़ीर-ए-आला का नामजदगी के बाद और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद वो रवाना हो जाएंगे और यहाँ से फिर तकरीब हलफबरदारी भी आज शाम ही होने का इम्कान है। नामजद निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी को वज़ीर-ए-आला का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है। नाज़रीन, बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के हवाले से जिसके बाद इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी फीस